हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम्स में आपका स्वागत है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इस लेक्चर सीरीज में हम करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इस लेसन पे वीकली करंट अफेयर्स को हिंदी में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने इस लेसन पे कौन सा वीक लिया है, जुलाई का जो तीसरा वीक है, 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और ऐसे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, या दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, या दूसरे स्टेट्स के जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। हाल ही में उड़ीसा का राज पर्व उत्सव मनाया गया। उड़ीसा में मनाया जाने वाला यह एक त्यौहार है जिसका नाम है राज पर्व। उड़ीसा में 3 दिनों के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। यह उत्सव धरती माता, जिनको भूमा देवी भी यहाँ पे बोलते हैं, भूमा मतलब भूमि, पृथ्वी तथा महिलाओं के लिए समर्पित है। प्रतिवर्ष मिथुन संक्रांति के एक दिन पहले से यह आरंभ होता है और इसके बाद 2 दिन तक मनाया जाता है। यहाँ पे मान्यता है कि भगवान विष्णु की पत्नी भूमा देवी, पृथ्वी को यहाँ पे भगवान विष्णु की पत्नी बोला जाता है, को रजस्वला प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उनका मासिक धर्म 3 से 4 दिनों का होता है। इस दौरान उड़िया लोग भूमि की खुदाई से संबंधित किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अथवा जुताई कार्य नहीं करते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों को विराम देकर वे धरती माता को सम्मान प्रदान करते हैं तथा उन्हें रोजाना के कार्यों से विश्राम देते हैं। राज पर्व जो त्यौहार है वो गर्मी के मौसम के अंत को भी दर्शाता है और साथ साथ मानसून के आगमन का संकेत भी माना जाता है, और ये त्यौहार एक तरह से उड़िया समाज में महिलाओं के सम्मान को दर्शाता है। कुछ दिन पहले जून टीथ शब्द न्यूज में था, तो सबसे पहले जानते हैं कि जून टीथ क्या होता है। जून टीथ 2 शब्दों से मिलकर बना है, जून, जून का महीना, और इसके बाद 19th, जिसको हम 19 भी बोलते हैं, तो इन 2 शब्दों से मिलकर जून टीथ बना हुआ है। 19 जून को अमेरिका में दास प्रथा को खत्म करने के उपलक्ष्य में तथा इसके खिलाफ, जो दास प्रथा है इसके खिलाफ आज़ादी के रूप में मनाया जाता है। यह एक तरह से छुट्टी का दिन है अमेरिका में, परंतु अमेरिका में संघीय अवकाश इसको घोषित नहीं किया गया है, और लगभग 45 स्टेट अमेरिकी स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इसको राज्य अवकाश के रूप में मान्यता दी है। इसे मुक्त दिवस या जयंती स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी अमेरिका में मनाया जाता है। तो यह शब्द अमेरिका से संबंधित है और इसका मतलब है 19 जून का जो हॉलीडे होता है उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है दास प्रथा के खिलाफ। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक प्रति बूंद अधिक फसल के बारे में। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PMKSY PDMC, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो इसके नाम से ही पता चलता है हमें कि इसमें कम पानी में अधिक फसल की पैदावार के बारे में बात की जा रही है। तो इसका कार्यान्वयन कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह पूरे भारत में वर्ष 2015-16 से चालू है। इस योजना में सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों का, टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा, जिसमें कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम सिंचाई प्रणालियों का प्रयोग करके खेत स्तर पर जल उपयोग की क्षमता को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। तो जल उपयोग की क्षमता से हमारा ये मतलब है कि जितनी भी सिंचाई की जाती है वो कम से कम पानी की सिंचाई करके उस पानी का मैक्सिमम यूज किया जा सके। तो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम में इस तरह से हम कर सकते हैं। ड्रिप और सूक्ष्म सिंचाई की तकनीक से न केवल जल की बचत होती है, इससे केवल जल की ही बचत नहीं होती बल्कि जो उर्वरक हम लोग यूज करते हैं वो भी कम लगता है, इसमें श्रम खर्च भी कम आता है और कच्चे माल की लागत भी कम होती है। क्योंकि जो हमारे साधारण तरीके होते हैं सिंचाई के, उसमें ज़्यादा पानी जाने से क्या होता है कि जो भूमि होती है उसकी उर्वरक क्षमता भी कम होती जाती है, जिससे हमें उर्वरक का यूज करना पड़ता है। बहुत सारा खरपतवार भी वहाँ पर बढ़ जाता है जिसको हटाने के लिए श्रम खर्च भी अधिक लगता है। तो ये योजना किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है। नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई कोष फंड भी बनाया गया है, और सरकार द्वारा ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को लगाने हेतु छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनको लागत का 55% तथा जो अन्य किसान हैं उनको लागत का 45% वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो इसमें और भी टॉप अप सब्सिडी भी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छी योजना है किसानों के लिए। अब बात करते हैं परमाणु हथियारों पर SIPRI की रिपोर्ट। SIPRI क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह इंस्टीट्यूट परमाणु हथियारों के संबंध में रिपोर्ट जारी करता है और दुनिया में परमाणु हथियारों की क्या स्थिति है उसके बारे में ईयर बुक
जारी करता है। तो इस साल की ईयरबुक में इसने कहा है कि परमाणु हथियार रखने वाले सभी देशों ने अपने परमाणु शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण जारी रखा है। पिछले एक वर्ष की अवधि में भारत और चीन ने अपने परमाणु हथियारों में वृद्धि की है, मतलब बढ़ाया है। चीन अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहा है तथा इसके परमाणु शस्त्रागार में 2019 में 290 परमाणु हथियार थे, जिनकी संख्या अभी 2020 में बढ़कर 320 हो चुकी है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन पहली बार एक न्यूक्लियर ट्रायड का निर्माण कर रहा है। ट्रायड क्या होता है? जो जल, थल और वायु तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में सक्षम होता है, इस तरह का यह हथियार होता है। भारत के परमाणु शस्त्रागार में 2019 में 130 से 140 वॉर रेट थे, जिनकी संख्या 2020 में बढ़कर 150 हो गई है। पाकिस्तान भी अपने परमाणु अस्त्रों के आकार तथा विविधता में वृद्धि कर रहा है। इसके परमाणु अस्त्रों की संख्या वर्ष 2020 में 160 हो चुकी है। भारत की तुलना में चीन तथा पाकिस्तान दोनों देशों के पास परमाणु शस्त्रागार में परमाणु हथियार ज्यादा हैं। इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स को अगर देखें तो रशिया के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, 6,375। यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका के पास 5,800 हैं। तो इस तरह से इंडिया के पास 150 हैं। अगर टोटल देखें तो 2019 में 13,865 थे, जो कि घटकर अभी 2020 में 13,400 हो गए हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि रशिया के परमाणु हथियार घटे हैं इस साल और अमेरिका के भी परमाणु हथियार घटे हैं इस साल। चाइना ने अपनी वृद्धि की है और इंडिया ने भी अपने परमाणु हथियारों में वृद्धि की है। रशिया और अमेरिका के बीच में परमाणु हथियारों के निरस्तीकरण की संधि है, जिसके तहत उन्होंने जो पुराने परमाणु हथियार थे, जो आउटडेटेड थे, उनको नष्ट किया है। इसकी वजह से ये संख्या वहाँ पे रिड्यूस हुई है। अब बात करते हैं NIRF रैंकिंग के बारे में। तो यह किस तरह की रैंकिंग है? NIRF का मतलब होता है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF का आरंभ 2015 में किया गया था। इस रैंकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है विभिन्न श्रेणियों तथा ज्ञान क्षेत्रों से संबंधित जो उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं उनको रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, रैंकिंग प्रदान की जाती है। और इन संस्थानों की रैंकिंग के लिए किन किन मापदंडों का यूज किया जाता है, किन किन मेजर्स पैरामीटर्स का यूज किया जाता है, उसको देखते हैं। शिक्षण और अध्ययन एवं संसाधन, इनसे संबंधित जो मापदंड होते हैं। अनुसंधान और व्यवसायिक क्रियाओं से रिलेटेड, स्नातक परिणाम उनके होते हैं उसके हिसाब से इनको मार्क्स दिए जाते हैं। पहुंच एवं समावेशिता के बारे में और धारणा के बारे में कि उनकी उस जो संस्थान है उसके लिए पब्लिक की क्या धारणा है, उसकी पहुंच कितनी है, उसकी समावेशिता कितनी है। तो इन सारे पैरामीटर्स का प्रयोग करके यहाँ पे रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। वर्ष 2020 की NIRF रैंकिंग में जो सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा दिया गया है, जिसको फर्स्ट रैंक दी गई है, वो है IIT मद्रास। तो अगर ओवरऑल कैटेगरी की हम बात करें यहाँ पे, तो IIT मद्रास को फर्स्ट रैंक है, IISc बेंगलोर को सेकंड रैंक है और IIT दिल्ली को थर्ड रैंक है। इसके बाद इसमें दूसरी कैटेगरी भी हैं जिसको यूनिवर्सिटी कैटेगरी भी बोलते हैं। इसके साथ साथ और भी कैटेगरी हैं यहाँ पे, बट हम लोग इम्पोर्टेंट कैटेगरी को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में IISc बेंगलोर को फर्स्ट रैंक है, JNU जो कि न्यू दिल्ली में है इसको सेकंड रैंक दी गई है और इसके बाद BHU वाराणसी को थर्ड रैंक दी गई है। इस बार इस रैंकिंग में डेंटल कॉलेज को भी शामिल किया गया है। तो डेंटल कॉलेजेस में मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस को फर्स्ट रैंक दी गई है, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस सेकेंड रैंक और DY पाटिल विद्यापीठ पुणे को थर्ड रैंक दी गई है। तो इस तरह से हमें प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेंटल कॉलेज की जो कैटेगरी है वो इस बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई है, तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जा सकता है कि ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा फर्स्ट रैंक है और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में कौन सा फर्स्ट रैंक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के लिए। कोरोना महामारी की वजह से देश में रोजगार की स्थिति अत्यंत खराब है और जो लोग भी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके पास कोई काम नहीं है, उनकी जीविका के साधन एकदम ख़त्म ही हो गए हैं। तो ऐसे में जबकि अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, तो सरकार अर्थव्यवस्था में जान फूंकने और इन लोगों की मदद करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में सोच रही है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक तरह से सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना या कार्यक्रम है, जो किसी देश अथवा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर यह चलाई जाती है उसके सभी नागरिकों को बिना शर्त के आवधिक रूप से धनराशि प्रदान करने का कार्यक्रम है।
तो इसमें सभी नागरिकों को धनराशि दी जाती है और आवधिक रूप से दी जाती है, समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में दी जाती है। इसके अंतर्गत नागरिकों की आय, उनकी सामाजिक स्थिति और रोजगार स्थिति पर विचार नहीं किया जाता है। यूबीआई का उद्देश्य क्या है? गरीबी को कम करना है और नागरिकों में समानता की वृद्धि करना है। यूबीआई का मूल सिद्धांत है कि सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी परिस्थिति में पैदा हुए हों, एक जीने योग्य आय के हकदार होते हैं। बात करते हैं सहकार मित्र योजना के बारे में। ये एक तरह से इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना है। सहकार मित्र योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के द्वारा शुरू की गई है। यह योजना अकादमिक संस्थानों के प्रोफेशनलों को सहकारी समितियों के माध्यम से उनके नेतृत्व और उद्यमशीलता की भूमिकाओं को विकसित करने का एक अवसर प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक प्रशिक्षु जो भी इंटर्न्स होंगे, वो 4 माह की इंटर्नशिप की अवधि के दौरान वित्तीय सहायता भी उन्हें दी जाएगी और वो इन सहकारी समितियों में नेतृत्व का काम करेंगे। इस योजना का कौन कौन से लोग लाभ उठा सकते हैं? तो इस योजना के तहत जो कृषि संबद्ध क्षेत्रों और IT क्षेत्रों जैसे विषयों के जो प्रोफेशनल स्नातक हैं, वो इंटर्नशिप का लाभ उठा सकते हैं। कृषि व्यवसाय से संबंधित, सहयोग, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, वानिकी से संबंधित, ग्रामीण विकास से संबंधित और परियोजना प्रबंधन इत्यादि में जो MBA की डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, ऐसे प्रोफेशनल यहाँ पे पात्र होंगे और वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उनको 4 महीने की इंटर्नशिप प्रोग्राम यहाँ पे मिल सकती है। इस योजना से सहकारी समितियों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जो नए युवा प्रोफेशनल वहाँ पे नेतृत्व का काम करेंगे, इंटर्न का काम करेंगे, उनके विचारों से सहकारी समितियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही प्रशिक्षुओं को भी फील्ड में काम करने का अनुभव प्राप्त होगा और उनके मन में आत्मनिर्भरता का विश्वास बढ़ेगा। हाल ही में टिड्डियों के संकट की वजह से मेलाथियान चर्चा में आया। यह एक तरह का कीटनाशक है जिसका कृषि, आवासीय, भूमि निर्माण, सार्वजनिक मनोरंजन क्षेत्र में और मच्छर मारने जैसे सार्वजनिक कामों में इसका उपयोग किया जाता है। चर्चा का कारण क्यों है? क्योंकि HIL इंडिया लिमिटेड द्वारा ईरान को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 25 मीट्रिक टन मेलाथियान 95% की आपूर्ति की गई है। खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में टिड्डियों का संकट बहुत बढ़ रहा था। इससे आने वाले महीनों में भारत में फसल के नुकसान पहुंचने की आशंका थी, तो भारत सरकार ने समस्या को उसके प्रजनन स्थल पर ही निपटने के लिए समन्वित प्रयासों के लिए ईरान से इस तरह के लिए संपर्क किया था और उसकी वजह से 25 मीट्रिक टन मेलाथियान ईरान को सप्लाई किया था। 17 जून को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया भर में संकटग्रस्त मगरमच्छों और घड़ियालों की स्थिति को उजागर करने के लिए वैश्विक जागरूकता अभियान की तरह मनाया जाता है। और भारत में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? मगर अथवा दलदली मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ और घड़ियाल, ये 3 तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। 17 जून को ही विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस भी मनाया जाता है। 14 अक्टूबर 1994 को भारत ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जिसको हम कन्वेंशन भी बोलते हैं, UNCCD पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके पश्चात वर्ष 1995 से विश्व मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए 17 जून को प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाने लगा। तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2020 भी मनाया गया। हाल ही में भारत चीन गलवान घाटी गतिरोध चर्चा में था, तो हमें गलवान नदी घाटी की भौगोलिक स्थिति और इसके सामरिक महत्व के बारे में समझना चाहिए। गलवान घाटी क्षेत्र लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य भारत और चीन की सीमा के निकट है। इसी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको LAC बोलते हैं, अक्साई चीन को भारत से विभाजित करती है। अक्साई चीन चीन के दक्षिणी सिंजियांग क्षेत्र से लेकर भारत के लद्दाख क्षेत्र तक फैला हुआ है। यही कारण है कि इसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण समझा जाता है। अक्साई चीन भारत और चीन के मध्य एक विवादित क्षेत्र है, जिस पर भारत द्वारा भी दावा किया जाता है। वर्तमान में यह चीन द्वारा नियंत्रित है। इस समय इस क्षेत्र पे तनाव होने का कारण यह है कि भारत लेह से काराकोरम पास तक को जोड़ने वाला 255 किलोमीटर का लंबा दारबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड का निर्माण कर रहा है। यह सड़क स्योक नदी के समांतर है तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के नज़दीक संचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए चीनी क्षेत्र इस पर नियंत्रण करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत इस नदी घाटी का उपयोग करके अक्साई चीन पठार पर अधिकार को, चीन के अधिकार को समाप्त कर सकता है और खुद अधिकार कर सकता है।
तो ये रीजन है, इस वजह से अभी वहाँ पे टेंशन बनी हुई है। तो अगर रफली मैप में देखें तो ये अक्साई चीन का एरिया है जिस पे कि अभी चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन है, और इधर ये लद्दाख है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यहाँ पे, गलवान घाटी इधर है, इसके बाद इधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और हमारा जम्मू एंड कश्मीर इधर है। तो इस तरह से ये मैप की सिचुएशन है यहाँ पे, इसको थोड़ा समझना चाहिए। पेंगोलिन क्या है? चीन ने पेंगोलिन को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की है। एक तरह का जीव है, स्तनपाई जीव है, और इसके शल्कों का उपयोग चीन में परंपरागत दवाओं को बनाने में किया जाता था। तो इसने इस जीव को इस तरह की दवाओं की सूची से हटा दिया गया है, चीन ने हटा दिया है, जिससे इसको सुरक्षा प्रदान की है, क्योंकि ये अब संकटग्रस्त हो गया है। पेंगोलिन पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपाई जीव है, और साइटिस के अनुसार अगर देखें, साइटिस एक तरह से कन्वेंशन है जो दुनिया भर में लागू होता है, पेंगोलिन एक ऐसा स्तनपाई जीव है जिसके खाने और पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल के लिए सबसे अधिक अवैध तस्करी होती है। तो साइटिस एक तरह से अवैध तस्करी, जीवों की अवैध तस्करी को रोकता है, और इस तरह का ये एक तरह से अभिसमय है या कन्वेंशन है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है अगर यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप। तो ये दुनिया भर में पाई जाने वाली पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से 2 भारत में भी पाई जाती हैं, इसलिए ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये प्रजातियाँ चीनी पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन, ये अधिकतर पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं। तो चीनी पेंगोलिन भी भारत में पाया जाता है। संरक्षण की स्थिति देखें तो IUCN की जो लिस्ट होती है, जिसमें इंडेंजर्ड स्पेसीज होती हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं, उसकी रेड लिस्ट में चीनी पेंगोलिन को रखा गया है, और इसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त कैटेगरी में रखा गया है। भारतीय पेंगोलिन को संकटग्रस्त कैटेगरी में रखा गया है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त में नहीं रखा गया है। चीन में क्योंकि इसका प्रयोग दवाओं में किया जाता है, तो उसमें इसको बहुत ज़्यादा, मतलब इनको मारा जाता होगा, इसकी वजह से इसकी संख्या बहुत ज़्यादा घट गई है, इसलिए चीन ने इसको सुरक्षा प्रदान की है। एक देश एक राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस वर्ष के अंत तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत शेष सभी 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने हेतु एक आवश्यक प्रबंध कर रहा है। ठीक है, तो ये स्कीम काफ़ी दिन से चल रही है, कई सारे राज्यों ने इसको अपना भी लिया है, बट ये 14 जो राज्य अभी बचे हुए हैं इनको भी शामिल करने के लिए केंद्र योजना बना रहा है और उसके लिए प्रबंध कर रहा है। तो इसलिए ये चर्चा में है, और ये काफ़ी दिनों से चर्चा में है ये स्कीम, तो इसके बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस योजना के बारे में थोड़ा समझते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जो लाभार्थी होते हैं, जिनके पास कार्ड होता है, वो प्रवासी जो मजदूर होते हैं या प्रवासी लोग भी होते हैं, वो किसी भी देश के किसी भी भाग में अपनी पसंद की सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पहले क्या था कि जो उस स्टेट का होगा वो वहीं पर उसको मिल सकता है खाद्यान्न, बट इस योजना के बाद से कोई कहीं का भी हो, देश का किसी भी राज्य का हो, किसी दूसरे राज्य में रह रहा हो, तो वो अपने पसंद की ये खाद्यान्न वितरण प्रणाली जो दुकान होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जाके अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। इस योजना के लागू होने पर कोई भी गरीब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने पर खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो प्रवासी मजदूर की तरह काम करते हैं और दूसरी जगह जाकर काम करते हैं, तो वो फिर इस तरह से इस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे राशन नहीं मिलता था पुरानी योजना के तहत। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों से लाभ उठाने के लिए एक से अधिक राशन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों पर भी रोक लगाना है। उड़ीसा के पुरी में हर साल जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस साल कोरोना संकट की वजह से जगन्नाथ यात्रा का आयोजन सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद ही किया गया। इसमें बहुत ही सीमित लोगों को शामिल होने की आज्ञा दी गई। इस त्यौहार में रथों के त्यौहार के रूप में इसे मनाया जाता है। रथ यात्रा उत्सव पुरी के भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाता है। यह उत्सव भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र को समर्पित है। इस त्यौहार के दौरान मंदिर के तीनों देवता जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र तीनों को अलग अलग रथों में यात्रा करते हैं, और इन रथों को क्रमशः नंदीघोष, तलध्वज और देवदलन बोला जाता है। तीनों देवताओं के लिए हर साल नए रथों का निर्माण किया जाता है और प्रत्येक रथ में 4 लकड़ी के घोड़े जुड़े होते हैं। हाल ही में कोडुमनाल स्थान चर्चा में था। कोडुमनाल तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित एक गांव है। यह कावेरी की सहायक नदी नायल नदी के उत्तरी तट पर स्थित है।
यह कभी एक तरह से समृद्ध व्यापार शहर हुआ करता था। इसे कोडुमानम के नाम से भी जाना जाता था। इसका विवरण संगम साहित्य के पितरुपत में मिलता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक यह एक तरह से व्यापार केंद्र के रूप में विकसित था और तमिलनाडु राज्य के पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में अभी है और एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। कोडुमनाल में चल रहे उत्खनन से कुछ चीज़ें मिली हैं, जिसमें कि 3 कच्ची समाधि के बाहर और वृत्ताकार टीले के अंदर 10 घड़े और कटोरे रखे मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि इस तरह की दफनाने की यह प्रणाली महापाषाण संस्कृति में प्रचलित थी। खुदाई में प्राप्त अन्य सामग्री जैसे जानवरों की खोपड़ी, संभवतः भेड़िया या कुत्ते की है, कीमती पत्थर, तांबा गलाने की इकाइयां और मिट्टी के बर्तन आदि मिले हैं। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का गठन किया गया। इसका गठन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत किया गया। तो इस अधिनियम के बारे में हमें याद रखना है कि इस तरह का अधिनियम पेट्रोलियम और गैस से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य क्या है? पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित जो गतिविधियां हैं और इनसे संबंधित जो उपभोक्ता और संस्थाएं हैं, उनके हितों की रक्षा करना तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, इस तरह के बाजारों को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। कुछ चर्चित स्थलों की बात करते हैं तो पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार की श्रृंखला 32 जारी किया है और इस श्रृंखला में इस बार का टॉपिक है हिमालय में ट्रेकिंग जादुई अनुभव। तो इस टॉपिक पे भारतीय हिमालय पर्वत श्रेणी में पर्यटन की क्षमता को उजागर करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें कौन कौन से स्थल हैं, कुंवारी दर्रा के बारे में बात हुई है। तो इस ट्रेक की खोज लॉर्ड कर्जन ने की थी और इसे कर्जन ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्लेस है ब्रह्मताल, जो कि उत्तराखंड में है। यह कटक के बीच में एक छिपी हुई एकांतिक झील है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने ध्यान किया था। तो इस तरह का ये प्लेस है। अगला स्थल है फोटोक्सर। फोटोक्सर एक तरह से लद्दाख का एक सुरम्य गांव है, सुंदर गांव है। यह लिंगसेट पदुम ट्रेक, जिसे द ग्रेट जास्कर ट्रेक के रूप में भी जाना जाता है, उसका हिस्सा है। अगला प्लेस है रूपकुंड उत्तराखंड, ये भी उत्तराखंड में है। यह एक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियल झील है और यह त्रिशूल पर्वत की गोद में स्थित है। तो ये चर्चित स्थल हो गए। इनको जो मानचित्र में इनकी जो लोकेशन है उसको भी आपको लोगों को देख लेनी चाहिए। तो इस लेसन में बस इतना ही। हम लोगों ने इस वीक के लगभग सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको ये लेसन पसंद आ रहे हैं और आपकी तैयारी में हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।